नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। बिहार में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को साधने में कामयाब होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 विधानसभा सीटें और सभी जिलों के ओपनिंग पोल के बारे में। बक्सर जिले की, बक्सर में 4 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर एनडीए की बीजेपी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, बाकी अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार के कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से सभी 4 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 2 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट। रोहतास की 7 विधानसभा सीट आती है, 7 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 4 सीट और इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार और उसकी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की 243 सीटों में से 15 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार को 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, बाकी अदर पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि अरवल की। अरवल में 2 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यानी कि एक एक सीट दोनों ही गठबंधनों को मिल सकती है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है, इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार को 4 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की 243 सीटों में से 26 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12 सीटें यानी कि 2 सीट से पीछे नीतीश कुमार से, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 14 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं किशनगंज की। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार और आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जुमोई की बात की जाए, जुमोई में 4 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 में से 3 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट, बाकी अदर पार्टी का 0-0 सीट। बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 41 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 22 सीट यानी कि नरेंद्र मोदी को 22 सीट और नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 19 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, बाकी अदर पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से एनडीए खाते में 2 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीट, बाकी अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3 और इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के पटना जिले की यानी कि बिहार की राजधानी पटना की, पटना में 14 विधानसभा सीट आती है, 14 में से 10 विधानसभा सीट पटना जिला दे सकता है यानी कि पटना राजधानी दे सकती है, 10 सीटें एनडीए गठबंधन खाते में और 4 सीटें इंडिया गठबंधन खाते हैं, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 67 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 37 सीटें, 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मधेपुरा की, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। सुपौल की बात की जाए तो सुपौल में 5 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 3 सीटें और इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार को 2 सीट, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार की 243 सीटों में से 79 सीट यानी कि 79 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि 43 सीटें, 35 सीटों पर नीतीश कुमार, बाकी अदर पार्टी को 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के
चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से एनडीए गठबंधन खाते में 5 सीट और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीट, बाकी अदर पार्ट को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में 5 और इंडिया गठबंधन खाते में, यानी कि 50-50 का रेशियो रह सकता है सरण में। वैशाली की बात की जाए तो वैशाली में 8 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 8 में से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 5 सीट और इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार को 3 सीट मिल सकती है, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की 203 सीटों में से 106 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 58 सीट और 46 सीटों के साथ नीतीश बाबू और बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि बेगूसराय की। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट आती है, 7 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, बाकी अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कटिहार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 3 और इंडिया गठबंधन खाते में 4 और अदर पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट आती है, 10 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 5 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीट जा सकती है, बाकी अदर पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 69 सीटों के साथ एनडीए और 58 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टी के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 4, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट। पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीट आती है, 12 में से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 7 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में यानी कि नीतीश कुमार को 5 सीटें, नरेंद्र मोदी को 7 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की 243 सीटों में से 152 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 82 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 67 यानी कि 67 सीट, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट आती है, यहाँ पर 2 में से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 2 सीट यानी कि दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, यानी कि 1-1 सीट दोनों ही गठबंधनों को मिल सकती है। नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए गठबंधन खाते में सभी 7 के 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 163 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 92 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी को यहाँ पर 68 सीट, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मधेपुरा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में 5 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 4 और अदर पार्टियों को 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीट। दरभंगा की 10 विधानसभा सीट आती है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में 7 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीट, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में 190 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 108 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को 78 सीट मिल सकती है, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को 5 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, बाकी अदर पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों और बात कर लेते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर एनडीए, 3 पर ही इंडिया गठबंधन। सीवान की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 पर एनडीए, 5 पर इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टी को 0-0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 215 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीए खाते में 119 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 91 सीट और अदर पार्टी को 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि सहरसा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से एनडीए खाते में 2 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट जा सकती है। नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के गया जिले की 10 विधानसभा सीट आती है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में 6 सीटें, बाकी इंडिया गठबंधन खाते में नीतीश कुमार को 4 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट में से 234 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं,
पर एनडीए गठबंधन का तुम्हें 130 सीटें यानी कि जादू ही आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन का तुम्हें 99 यानी कि 99 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बात कर ली जाए बिहार के सीहोर जिले की एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन, बाकी एनडीए गठबंधन को 0 अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। सीतामंडी में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से एनडीए गठबंधन का तुम्हें 6, इंडिया गठबंधन का तुम्हें 2 सीट, बाकी अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी इस ओपिनियन पोल के लिहाज से? जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 136 सीटें और 102 सीट के साथ नीतीश कुमार, बाकी अदर